हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम साई कुकिंग क्लासेस एंड दिस इज शेफ सीमा गवारे पाटिल फ्रॉम नासिक। तो नासिक में यहाँ हमारे ऑफलाइन कुकिंग क्लासेस चलते हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास के साथ ऑल ओवर वर्ल्ड हम देते हैं 150 प्लस ऑनलाइन कुकिंग कोर्सेज। अगर आपको ऐसे लगता है कि आपको हमारे ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करने हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो मैंने नंबर डाला है, उन नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करके घर बैठे कभी भी जब आपको टाइम हो उस वक्त आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, आपके पास जब टाइम है तब आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। या तो आप हमारे कोर्सेज लेके रख सकते हो और जब भी आपको टाइम है तब आप वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो आज जो क्लास मैं आपके लिए लेके आई हूँ, ये है पापड़ का क्लास। तो ये जो पापड़ का क्लास है, ये पारंपरिक वे में है कि जब हम लोग घर में पापड़ बनाते हैं तो वो जो पापड़ बनते हैं ना, एकदम मुँह में घुलने वाले, क्रिस्पी से, क्रंची से, वो पापड़ कैसे बनते हैं वो मैंने आपको इस क्लास में दिखाया है। तो इस क्लास में मैंने आपको दो रेसिपी दी है। एक रेसिपी उनके लिए कि अगर आपको ये क्लास करने के बाद घर के लिए पापड़ बनाने, थोड़ी क्वांटिटी में बनाने आप बना सकते हो। लेकिन ऐसे लोग, आप ये क्लास लेके घर के लिए तो बना सकते हो, लेकिन आगे जाके, या आपके दिमाग में ऐसे चल रहा है कि मुझे आगे जाके कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो उनके लिए मैंने अलग से रेसिपी दी है। तो उस रेसिपी में मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको 1 kg पापड़ की ऑर्डर आएगी तो आप कैसे काम करोगे। ओके, तो अगर आपको 1 kg का मेजरमेंट पता होगा तो आप 10 किलो, 20 किलो, 50 किलो, कितने भी किलो के पापड़ बना सकते हो। तो इस क्लास में पहले मैं आपको 20 तरह के अलग अलग पापड़ दिखाऊंगी, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि अगर आपको इन पापड़ को सेल करना है तो इसकी पैकेजिंग कैसे करनी है, ये जो स्टिकर का काम होता है ये कैसे किया जाता है ताकि कमर्शियल लेवल पे आप इन्हें सेल कर सको, इनकी शेल्फ़ लाइफ क्या होती है, कौन से पापड़ को धूप की ज़रूरत होती है, कौन से पापड़ धूप दिखाने से ख़राब हो सकते हैं, ये जो पापड़ है ये क्रिस्पी कैसे बनते हैं, छोटी छोटी टेक्निक होती है। क्या होता है, कभी आप पापड़ बनाइए वो फट जाते हैं, उसके पीछे रीज़न क्या होता है, क्योंकि छोटी छोटी बातें होती है जो पापड़ को मतलब क्रिस्पी भी बना सकती है या आपका पापड़ फेल भी कर सकती है। और पापड़ ऐसी चीज़ है ना कि जिसमें एक दो दिन तो निकल ही जाते हैं, और फिर 2 दिन के बाद जब पता चलता है अरे पापड़ ठीक से बने ही नहीं, तो पहले तो आपका टाइम वेस्ट होता है, देन जो आप इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं वो भी वेस्ट होता है। तो हम लेके आते हैं आपके लिए 100% फुल प्रूफ रेसिपी जिससे आपके पापड़ बनने ही वाले हैं, वो भी एकदम क्रिस्पी से, मुँह में घुलने वाले। तो देखते हैं आज के क्लास में हमने क्या क्या कवर किया है। ये जो हमने पापड़ बनाए हैं ये है गुजराती खिचिया पापड़। तो आज के क्लास में मैं आपको, अगर आपको छोटे क्वांटिटी में काम करना है तो कैसे करोगे, अगर आपको सेलिंग करना है केजी वाइज रेसिपी कैसे बनाओगे, कितना नमक डालना है, कितना पापड़ खार, कितनी चीज़ें जाएगी, सारी चीज़ें मैं आपको ग्राम्स में बताने वाली हूँ। इसके बाद ये हमने बनाए हैं बेसन पापड़। तो जब आप ग्राम्स में चीज़ें डालोगे ना तो आपके जो पापड़ है सेम ऐसे ही बनेंगे जैसे मार्केट में मिलते हैं। इसके बाद ये हमने बनाए हैं भगर के पापड़, जिसे आप वरई के या सामा चावल के पापड़ बोल सकते हो। तो ये जो पापड़ है ये इतने फटाफट से बनते हैं, हार्डली से 15 से 20 मिनट लगते हैं, बिल्कुल भी मेहनत नहीं है इस पापड़ को, लेकिन खाने में इतने टेस्टी है, मुंह में घुल जाते हैं। इसके बाद ये हमने बनाए हैं नाचनी के पापड़, जिसे आप फिंगर मिलेट पापड़ बोलते हो। तो आज के क्लास में मैंने बहुत सारे हेल्दी ग्रेन्स को भी इंक्लूड किया है जिससे हमने पापड़ बनाए हैं। तो ये जो है ये ग्लूटेन फ्री पापड़ आप इसे बोल सकते हो। तो ये जो मैंने आपको पापड़ दिखाए हैं जो पारंपरिक वे में बनाए जाते हैं, वैसे ही मैंने आपको पूरा प्रोसीजर दिखाया। इसके बाद ये है पालक के पापड़। आप देख सकते हो कि जो पापड़ की साइज़ थी वो कितनी थी, लेकिन तलने के बाद वो 3 times बढ़ जाते हैं, इतने फूलते हैं, इतने क्रिस्पी बनते हैं कि मुंह में घुल जाए। इसके बाद ये हमने बनाए हैं सेमोलिना पापड़, सूजी के पापड़। तो इस क्लास में मैं आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको इन्हें सेल करना है तो आप पैकेजिंग कैसे कर सकते हो, मतलब घर बैठे आप इनकी पैकेजिंग भी कर सकते हो। इसके बाद ये हमने बनाए हैं बाजरे के पापड़। ये पापड़ इतने अमेजिंग लगते हैं टेस्ट में और बनने में तो फटाफट से बनते हैं।
तो हमारे जितने भी कोर्सेस होते हैं ना, हम ऐसे डिज़ाइन करते हैं कि सारे कोर्सेस सीखने के बाद आप घर के लिए भी बना सको, आगे जाके आपको लगे तो बिजनेस भी कर सको। यह है उड़द दाल के पापड़। तो जब आप उड़द दाल के पापड़ बनाते हो तो किन सावधानियों से आपको बनाने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। कब वो क्रिस्पी बनेंगे, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगी। यह है टमाटर फ्लेवर में पापड़, टमाटर के पापड़। तो कौन से पापड़ को कैसे सुखाना है, धूप में सुखाना है, घर में सुखाना है, वो सारी चीज़ें हम आपको इस क्लास में बताएंगे। यह है राजगीरे के पापड़। अगेन ये ग्लूटेन फ्री पापड़ आप इन्हें बोल सकते हो, बहुत ही हेल्दी होता है राजगीरा, लेकिन इसका बनाने का जो तरीका होता है पूरा डिफरेंट होता है। इसके बाद ये हमने बनाया है ट्राई कलर पापड़। इस पापड़ में आपको तीन फ्लेवर मिलेंगे, जब आप इसे खाओगे तो तीन फ्लेवर एक साथ आप खाओगे और इसका जो टेस्ट है ना बहुत अमेजिंग है। इसके बाद ये हमने बनाए हैं मूंग दाल के पापड़। तो जब आप मूंग दाल का आटा पिसवा के लाते हो, उसे पीसने से पहले कौन सी सावधानी में को ध्यान रख के इसे पीसना है, वो सारी बातें हम आपको बताएंगे। इसके बाद ये है ज्वार के पापड़। अगेन ग्लूटन फ्री है, हेल्दी पापड़ है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और मिनटों में बनते, फटाफट से बन जाते हैं। आप इन सब का टेक्सचर देखिए, आपको देखते ही समझ रहा होगा कि कितने हल्के हैं ये पापड़। इसके बाद ये हमने बनाया है पारंपरिक वे में जो बनते हैं ना चावल के पापड़, वो चावल के पापड़ आप कई तरीकों से बना सकते हो, लेकिन जो प्रॉपर पारंपरिक वे जो होता है उस तरीके से मैंने आपको दिखाए हैं। इसके बाद ये हमने बनाया है चना दाल के पापड़। ये पापड़ तो बहुत अमेजिंग होते हैं, टेस्ट तो इसका बहुत औसम और बहुत डिफरेंट होता है। इसमें जो हमने मसाले डाले हैं ना, उस मसाले की वजह से ये जो पापड़ है बहुत अमेजिंग लगते हैं। इसके बाद ये हमने बनाए हैं गेहूं के पापड़। अगेन ये जो पापड़ है मैंने आपको पारंपरिक वे में बताया कि जब आप गेहूं का पापड़ बनाते हो तो कैसे काम करना है। इसके बाद ये हमने बनाए हैं साबूदाना बटाटा पापड़ या साबूदाना पोटैटो पापड़, जो आप उपवास में खा सकते हो। ये भी बहुत टेस्टी लगते हैं और आप देख सकते हो कि कितने हल्के हैं। ये हमने बनाया है पोहे के पापड़। अमेजिंग इसका टेस्ट है, इसका स्वाद बहुत अलग होता है। मुझे ये पता नहीं कि आप लोगों ने ये इतने सारे पापड़ टेस्ट किए हैं या नहीं, लेकिन मैंने अपना पूरा 100% दिया है कि आपको वो सारे फ्लेवर दूँ जो आपको मार्केट में भी नहीं मिलते हैं। इसके बाद ये हमने बनाए हैं मैदे के पापड़। क्योंकि सारे ग्रेन्स हमने कवर कर लिए तो मैदे से भी हमने आपको दिखा दिया है। हमारे जितने भी कोर्सेस हैं ना, वो सीखने के बाद आप घर के लिए प्लस बिजनेस के लिए दोनों के लिए कोर्स ले सकते हो। बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने टी प्रीमिक्स का क्लास लेके टी प्रीमिक्स का बिज़नेस स्टार्ट किया है, मोमोज का बिज़नेस स्टार्ट किया है, चाट का बिज़नेस स्टार्ट किया है। यह है साबूदाना पापड़। ऐसे 150 कोर्स है, तो हमें कॉन्टैक्ट करके आप उनके डिटेल्स ले सकते हो। तो कैसा लगा आपको हमारा क्लास, है ना बढ़िया क्लास। ये पापड़ आप घर के लिए बनाइए, बिजनेस के लिए बनाइए, आपको जो मर्जी है वो आप ये क्लास करने के बाद कर सकते हो। हमारे जितने भी कोर्सेस होते हैं ना, हम उन्हें ऐसे ही डेवलप करते हैं कि वो क्लास आप घर के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो और जिनको बिजनेस करना है वो भी कर सकते हो। तो बहुत सारे कोर्सेस हैं जिससे आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। बिजनेस नहीं करना है, घर के लिए, बच्चों के लिए, फैमिली के लिए भी आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हो। मैं सिर्फ आपके 2 मिनट लेती हूँ कि हमारे जो ऑनलाइन कोर्सेस हैं ये कैसे चलते हैं। तो जब आप हमारा ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करते हो तो सबसे पहले हम आपको रेसिपी देंगे और इस क्लास का वीडियो शेयर करेंगे जो लाइफ टाइम आपके पास रहेगा। क्या होता है अगर मैंने आज आपको सिखा भी दिया, लेकिन क्या 2-3 महीने के बाद आप कुछ चीज़ें भूल जाते हो, तो कभी आप भूल गए तो वो वीडियो चला के, वो वीडियो देख के आप कभी भी ये पापड़ बना सकते हो या कोई भी क्लास। ओके,
एक साल के बाद, 2 साल के बाद अगर आप भूल गए, फिर से वो वीडियो चलाइए, वो देख के आपको याद आ जाएगा कि मैंने क्या क्या सिखाया था। तो वीडियो रेसिपी लाइफ टाइम आपके पास रहेगी। उसके बाद हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, और इतना ही नहीं, आपके जितने भी क्वेश्चन है, क्वेरीज है, आप हमसे कॉन्टैक्ट करके सारी क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो। तो इस तरीके से घर बैठे कभी भी आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। और अब बारी आती है हमारे लकी विनर की। तो हर वीक, हर ट्यूसडे को हम 2 लकी विनर निकालते हैं यूट्यूब पे। जिनको भी यूट्यूब पे लकी विनर बनना है, उनको ये वीडियो पूरा देखना है, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, और आपके मन में जो भी ख्याल आ जाए बस कमेंट में डाल दीजिए। और 2 लकी विनर हम निकालते हैं हर संडे को फेसबुक और इंस्टा से। तो हमारा जो फेसबुक और इंस्टा पे पेज है ओम साई कुकिंग क्लासेस, उसे फॉलो कीजिए। उस पर हमारे बहुत सारे ऑफर भी चलते हैं, तो आपको पता चलेगा कि हमारे रिसेंट ऑफर क्या है। तो इस वीक के जो 2 यूट्यूब के लकी विनर हैं, उनके मैं नाम अनाउंस कर रही हूँ। तो पहले जो हमारे लकी विनर है वो है कमला, और जो दूसरे लकी विनर है वो है सुरभि शिनखेड़कर। तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप दोनों को हमारी पूरी ओमसाई टीम की तरफ से। आपका फ्री ऑनलाइन क्लास हमसे कलेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेस पसंद आते हैं या YouTube की रेसिपी पसंद आती है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में जो बेल बटन है उसे क्लिक कीजिए, ताकि हर वीक जो भी मैं क्लासेस लेके आऊँ या रेसिपी लेके आऊँ, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ या एक नई रेसिपी के साथ अगले हफ्ते।